अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। मैं हर वीक मिनिमम 2 वीडियोस डालता हूं और मैं वादा करता हूं कि ऐसी चीज आपको सिखाऊंगा जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं सिखा रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपको दूसरों से अलग स्टैंड करेगा। थैंक यू। हे गाइज, वेलकम बैक। माई नेम इज दास गुंजन और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल द वायलेट गिटार में। मुझे पता है आप एक ही तरह के स्केल्स बजाकर बोर हो चुके हो। अगर आप चाहते हो कुछ सीरियस प्ले करें और अपने सारे फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर दें तो आप सही जगह पर हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं और मेरी टीम वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन म्यूजिक सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्ट्रक्चर वाइज गिटार, यूकेलेले या म्यूजिक थियरी सीखने में तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द वायलेट गिटार पर DM भी कर सकते हैं। थैंक यू। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सी मेजर स्केल प्ले करेंगे, राइट, टॉप स्ट्रिंग 8th फ्रेट। C D E F G A B C, राइट, ये सी मेजर स्केल है। आई गेस आप सबको पता होगा। अब अगर आप इसमें डी फ्लैट कर दें और ए फ्लैट कर दें, राइट, डी यानी कि 10th फ्रेट, ये जो 10th फ्रेट है इसे आप फ्लैट कर दें। फ्लैट का मतलब होता है एक नोट पीछे आना, हाफ नोट डाउन, राइट। पहले आप प्ले कर रहे थे 8 10, अब हम प्ले करेंगे 8 9। जो ये 7 है इस 7 को आप 6 कर दें, राइट, क्योंकि ये ए नोट है। चेक करते हैं, C D E F G A, राइट, तो ए को भी हम एक नोट फ्लैट कर देंगे। कैसे साउंड करेगा? राइट, बहुत डिफरेंट है। इसे फिर से समझते हैं, 8 9 7 8 10, 6 9 and 10, राइट। अब हम अवरोह चेक करते हैं। अवरोह मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। सिर्फ एक डिफरेंस है, जब आप वापस आते हैं तो आप डायरेक्ट 7 के बाद 9 नहीं प्ले करते हैं, आप 7 के बाद 8 फिर से प्ले करते हैं, राइट। चेक करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। राइट, यहां पर क्या हो रहा है? ग म ध प म प ग म रे सा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो नोट्स हैं आप उसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत स्लो आपको इसे प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट पार्ट को अगर हम समझें, राइट, तो यहां क्या हो रहा है इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। आई गेस यहां तक आपको समझ आ रहा है, 8 8 9 9 7 7 8 8 8 8 9 9 7 7 8 8। उसके बाद आप हैमर लेंगे 6th से 9th नोट पे,
आप कोशिश करना जो फिंगर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वही फिंगर्स आप यूज़ करें, क्योंकि ये इजीएस्ट फिंगर हैं जिनसे आप इसे प्ले कर सकते हो। इसके बाद हैमर के बाद आपको पुल ऑफ लेना है दोबारा से सिक्स्थ पर, राइट? सिक्स हैमर एंड पुल ऑफ, चेक करते हैं। और फिफ्थ स्ट्रिंग पर टेंथ फ्रेट प्ले करेंगे पिंकी से। राइट, आपको यही चीज तीन बार प्ले करनी है। चेक करते हैं मैं कैसे प्ले कर रहा हूं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब मैं पिंकी से टेंथ फ्रेट प्ले कर रहा हूं और जब वापस ही मैं लास्ट नोट प्ले कर रहा हूं एट्थ नोट मिडिल से, राइट, उसे मैं पिक नहीं कर रहा हूं राइट हैंड से। चेक करते हैं। तो ये जो पिंकी नोट है ये मैं बिना पिक किए प्रेस कर रहा हूं, राइट? एंड जब उसके बाद दोबारा से मिडिल को रखना है यहां पे, तो फर्स्ट एट बिना पिक किए है, देन सेकेंड एट से मैं पिक कर रहा हूं। चेक करते हैं। आपकी मर्जी है, आप उसे पिक भी कर सकते हो या फिर पिक नहीं भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। अब आते हैं एडॉन्स में। एडॉन्स में आप स्लाइड्स और ट्रमैलो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइड्स और ट्रमैलो में कंट्रोल है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चेक करें अगर हम। होप आपको ये एड ऑन समझ में आए होंगे। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट कॉपी करें, बस आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं स्लाइड्स का, ट्रमैलो का, राइट? जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैं हर लास्ट नोट को फास्ट प्ले कर रहा था, ट्रमैलो की तरह प्ले कर रहा था, राइट? कुछ स्लाइड्स लिए मैंने बीच में। आप कोशिश करना कि उसे बार बार देखो, खुद से समझो, चेक करो कि कितने बार मैंने ट्रमैलो किया है। कोशिश करना कि जितनी बार मैंने ट्रमैलो प्ले किया है उतने ही बार आप भी डाउन अप प्ले करें, राइट? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द वायलेट गिटार पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।